दिनकु दिन घातक हेउची H3N2 वायरस। एही वायरस संक्रमण रे भारत रे दुई जनकर मृत्यु घटिछि। प्रथम मृत्यु कर्नाटक रे होइतिबा बेले द्वितीय व्यक्तिंकर मृत्यु हरियाणा रो बोली रिपोर्ट आसेछि। कर्नाटक रे H3N2 वायरस रे मृत्यु होइतिबा व्यक्ति जनक 85 वर्ष वयस्क थिले एवं से अनेक दिन धरि ज्वर थंडा एवं गला समस्या रे पीड़ित थिले। हरियाणा रे 56 वर्षीय H3N2 वायरस द्वारा संक्रमित मृत व्यक्ति पूर्वरु कैंसर रे पीड़ित थिबा जना पड़िछि। गत किछि सप्ताह धरि देश अनेक लोक एहि भाइरसर शिकार हो डाक्तरखाना भर्ती होती। सेपटे एने सतर्क करिसेंति केन्द्र सरकार। विभिन्न राज्य केन्द्र शासित अंचल उपरे नजर रखी केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय। एहाकु नेइ इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम लॉन्च करा जायछि। स्वास्थ्य मंत्रालय जारी सूचना अनुजाई भारत वर्षरे दुईटी सीजनल इन्फ्लुएंजार संक्रमण देखिबाकु मिलिथाय। जनवरी मासरु मार्च मास मध्यरे गोटे संक्रमण देखिबाकु मिलिथिबा बेले वर्षा ऋतु परे आउ एक संक्रमण देखिबाकु मिलिथाय। वर्तमान जेउ संक्रमणर सृष्टि होइछि ताहा मार्च मास शेष आडकु ह्रास पाइपारे लागिबो। अनेपटे देशरे एबे सुद्धा 90टी H3N2 मामला रिपोर्ट होइछि। एहा छडा H1N1 भूताणु द्वारा मध्य 8 जन आक्रांत होइतबा चिन्हट करा जायछि। दुईटी जक भूताणु संक्रमणर लक्षण COVID-19 भूताणु संक्रमणर लक्षण सहित प्राय समान। H3N2 जीवाणु संक्रमण अति कमरे 5-7 दिन पर्यंत रहिथाय। गर्भवती महिला शिशु और वृद्ध माने संक्रमणर शिकार होंती। तेणु निर्देशावली दर्शा जायछि जेहि वयस वर्गर लोक माने सतर्क हेबा उचित। सेपटे हात एवं मास्क नियमित धोइबा सहित कोविड परि सतर्कता पई डाक्टर माने परामर्श दैछन्ती। Because of the fact that we have now come back to a non-COVID state where we are not wearing masks, we are having a lot of crowding, this is also allowing the virus to spread more easily. For influenza also there is a vaccine, and for the high-risk group and the elderly, one would also say that they can take their flu shot or the influenza vaccine, which will give them protection as far as severity of disease is concerned.